जय श्री राम मित्रों, मैं आप सबका अपना भाई, आप सबका अपना बेटा, सन ऑफ हिंदुस्तान। उम्मीद है मित्रों कि आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, मैं आज आप लोगों से एक स्कैम के ऊपर बात करना चाहते हैं मित्र, जो कल तक मैं सुनता था, समाज में होती थी, कभी कभी बोलते थे हम लोग भी उस पर, और बोलते क्या थे हम लोग, हमेशा उस पर कार्य भी किया हूँ मैंने। अपने जो भी मित्र हैं हमारे, उनसे भी साथ भी ये घटना घटी। एक के साथ 42 क्रेडिट कार्ड एक हमारे फ्रेंड को इशू कर दिया जाता है बिना किसी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई का, बिना उसके कुछ लिए हुए, उसके फर्जी आईडी पर। एक हमारे मित्र है, उनको भी 7.5 लाख रुपया का उस टाइम का दिखा रहा है जिस टाइम वो हमारे साथ पढ़ा करते थे। आज उसी गिरोह के स्कैम में मैं भी शामिल हो गया। मित्रों, मैंने आज तक जीवन में कभी कुछ EMI पे नहीं लिया था। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में गाड़ी EMI पे लिया था, वो भी मेरा EMI ख़त्म हो चुका है। राइट नाउ मैं एक चीज़ लेने गया था जिसको मैं, मुझे मालूम चला कि सर आपका सिविल बहुत कम है, सर आपके तो हो ही नहीं। मैंने बोला क्या बात करती हो यार, मैंने आज तक किसी से कभी लोन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, एक था वो ख़त्म हो गया, फिर हमारी सिविल कैसे कम हो जाएगी भैया। तो उन्होंने बोला बोला क्या, मैंने खुद बड़े भाई को बोला, उन्होंने चेक किए हमारे जो टीम में हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही पटना में, मनिया ग्लास। तो उन्होंने मेरा पूरा खोला पॉलिसी बाजार से, तो मालूम चला कि मेरे नाम से 2 लोन है, एक 2018 में है जो 17,000 रुपये का है, और एक 2019 में है जो 80,000 का है। अब ये बताइए कि जिस टाइम हम लोग इंस्टीट्यूट में थे, कोचिंग में पढ़ाई करत रही, तो उस समय हम लोन लेवत रही कुछ भी, इंडस्ट्रियल बैंक आवत नहीं तार ब्रांच में हम, और एक है DIMFC करके कोई बैंक है, उनको भी ले लेंगे, उनके पास भी जाऊंगा, वो भी 17,000 दिए हुए हैं, और इंडस्ट्रियल बैंक वाला 80,000 दिए हुए हैं। कमाल की यह बात है कि जो मेरा नाम है वही नाम उस आदमी का भी है, वो नंबर दिया था उसमें, तो मेरा उसमें 2 नंबर शो करा था, 1 नंबर उस व्यक्ति का नंबर शो करा था। मैंने उस पर कॉल किया तो वो वही व्यक्ति था जो 2 साल पहले भी मुझे दिक्कत दिया था, 2 साल पहले जब मैंने गाड़ी किया था EMI पे लेने, तो उस समय मुझे गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, वो बताया कि आप पे लोन चल रहा था। उसमें मुझे उतना नहीं समझ में आया कि क्या था, तो मालूम चला कि आप ही के नाम का एक संजीव कुमार है जो आप ही के इलाके में रहता है और उसका लोन है। लेकिन आज जब ये घटना घटी तो उससे मुझे आइडिया नहीं था सब चीज़ को, तो मैंने इग्नोर कर दिया। आज जब मालूम चला तो वो 2 साल पहले वाली जो प्रीवियस बातें थी वो रिकॉल होने लगा। सडनली मेरे बड़े भाई भी साथ में थे, तो वो भी उस दिन थे 2 साल पहले जो बातें चल रही थी, उस लड़का से हम बात भी किए थे, उस सनील कुमार जो लोन लिया था। तो फिर मैंने उसका नंबर निकाला, नंबर तो था नहीं, तो उसमें नंबर था, उस नंबर फ़ोन किया तो ट्रू कॉलर में सनी नाम आया। जब बातें की तो मालूम चला कि बोला कि भैया लोन तो हमारी है लेकिन मैं आपके डॉक्यूमेंट्स पे नहीं लिया हूँ, तो मैं चाह उन्होंने बोला कि आप ब्रांच मैनेजर से बात करें। तो अभी इंडस्ट्रियल बैंक से पूछना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ धूड़ बैठल हैं जो लाखों लोगों के स्कैम के तहत बर्बाद कर रहे हैं, कोई के 42 क्रेडिट कार्ड, कोई के 10 लाख रुपया इशू है, लोन है, जबकि उस टाइम नर्सरी में होगा तब कुछ भी। मैं चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल बैंक या तो आप इस मैटर को सॉर्ट आउट करें, नहीं तो फिर जो होगा सो होगा ही। कैसे यार किसी का मतलब फर्जी आईडी पे कुछ भी करवा दे रहे हो तुम लोग, ये प्राइवेट कंपनी वाले लोग करते हैं चंद अपने ब्लैक मनी व्हाइट करने के चक्कर में, दे दो जबरदस्ती। असला बैंक का एम्प्लॉय जो है, बैंक का जो एम्प्लॉय है वो तो गली गली पवा रहे लोन देने के लिए, उसको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भी दोगे तो भी दे के चला जाएगा यार। यार तो उसमें हम लोगों की क्या गलती यार, तुम्हें फेंकना ऐसी देके चल जाओ रुपया भाई, हम लोगों की लाइफ पर बात कर रहे हो यार। छोटे मोटे अंकल नाला रोड इंडस्ट्रियल बैंक के जो ब्रांच है वहाँ पे, उनसे बात करता हूँ, देखता हूँ किस मैटर को क्या सॉर्ट आउट होता है। वैसे मैंने FIR कर दिया है थाना में। बाकी मित्रों आप लोग भी सतर्क रहें और किसी को अपना पैन आधार ना दें, कोई भी अपना पर्सनल चीज़ ना दे किसी को। बाकी लेकिन ये लोग तो हैकर हैं, एक से एक लोग कुछ भी एक्सेस कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, और बैंक कर्मी को मिला के लोग कुछ भी कर लेते हैं। धन्यवाद मित्रों।